हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में और हमारा टॉपिक है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम 3rd पार्ट पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा तो हमने 2 पार्ट में रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ मास, ये सब आपको एक्सप्लेन किया। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एक्सप्लेन किया। आज का मेरा क्लास स्पेशली इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसमें से जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और जो आगे के चैप्टर को समझने में हेल्पफुल होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके मैं आज का क्लास आपके लिए लेके आया हूँ और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने पढ़ लिया ना, एंगुलर मोमेंटम। आज हम पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। फर्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? देखो, जैसे हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू होता है m इंटू v। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। किसका किसका प्रोडक्ट होता है? सबसे पहले मैं इसको आपको फिगर बता दूं और इस फिगर के बेस पर फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो, एक ये सपोज एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और हमने ये लिया सपोज ये जेड एक्सिस, 3 एक्सिस हैं। अब इस एक्सिस में सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, मैं फिगर पहले कंप्लीट ही कर दूँ उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करने स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इस पॉइंट पर सपोज एक पार्टिकल है पी। इस पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस है पोजिशन वेक्टर आर एंड डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम इज दिस। ये उसका डायरेक्शन है और हमने ओ से सपोज क्यू, ओ की हमने क्या क्या पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है 90 डिग्री, ये किया हुआ है। अब एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड एल इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर ओ क्यू इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, दिस इज रोटेशनल एक्सिस, ये रोटेशनल एक्सिस है और रोटेशनल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो लीनियर मोमेंटम इनटू यहां पर लिख देता हूं मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप पार्टिकल लीनियर एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। क्लियर? तो यहाँ पर आप इस फिगर में सिचुएशन में देख रहे होंगे कि P यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इसका डायरेक्शन है, मोमेंटम का डायरेक्शन है, ये पोजिशन वेक्टर है और OP वहाँ पर क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर? अब यहाँ पर सपोज हमने इस एंगल को थीटा सपोज कर लिया, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करने के लिए सपोज इसका जो डायरेक्शन है वो थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा।
यहां से देखो ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में आप देखो साइन थीटा इक्वल टू, यहां से हम निकाल लेते हैं साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज ओ क्यू, हाइपोटेनियस इज ओ पी, ओ क्यू अपॉन ओ पी, ओ क्यू अपॉन ओ पी, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल ओ क्यू, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ क्यू का वैल्यू हम यहां से फाइंड करना चाहते हैं, तो सपोज हम यहां से देयरफॉर ओ क्यू इक्वल टू ओ पी इंटू साइन थीटा दैट इक्वल द वैल्यू ऑफ ओ पी इज आर, ये हो जाएगा आर इंटू साइन थीटा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखना है तो वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं, ओ पी यहाँ पर आर साइन थीटा हमने निकाल लिया। देयरफॉर मोमेंटम इक्वल टू, देयरफॉर एल इक्वल टू पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ क्यू, पी इंटू ओ क्यू, ये हमने ले लिया पी इंटू ओ क्यू। दैट इंप्लाइज एल इक्वल टू पी इंटू ओ क्यू इज आर साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं हम आर साइन थीटा, दैट इंप्लाइज एल इक्वल टू पी क्रॉस आर, क्योंकि ये क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, हम वेक्टर से जानते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए बी साइन थीटा, उस कॉन्सेप्ट पर हम पी आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं पी क्रॉस आर, दिस इज द लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का जो फार्मूला जो होता है वो है पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं एल इक्वल टू पी इंटू आर, पी इंटू आर इज लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं वेक्टर, ये कहलाता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसी के बेस पर आगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसे हमने उसमें एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा वन डायमेंशन मोशन में, तो यहाँ पर जिस तरह से वहाँ लीनियर मोमेंटम होता है उस तरह से यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम होता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम के हेल्प से ही निकाला जाता है, क्लियर। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखना, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन एल इक्वल टू पी आर साइन थीटा, दैट इज ऑल्सो रिटन एज वेक्टर एल इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस आर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, देखो जिस तरह से लीनियर काइनेटिक एनर्जी होता है वैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पर हम उसी फार्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए, सिंस वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल होता है दैट इक्वल 1/2 एम वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, दैट इक्वल 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इक्वल 1/2 एम आर स्क्वायर इज आई, तो हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ सब इसी तरह से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और फार्मूला पर बेस्ड है, ये कहलाता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, फिर एक कॉन्सेप्ट अपने को समझना है वो है रेडियस ऑफ ग्रायसन, रेडियस ऑफ ग्रायसन क्या होता है, देखो सपोज ये कोई रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी को मैंने आपको कई बार पढ़ाया, पिछले वीडियो में आपने देखा ये डिफरेंट डिफरेंट मासेस के पार्टिकल से मिल के बना होता है,
लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा होता है जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कर चुके हैं पहले। और ये सपोज इसका रोटेशनल एक्सिस है, तो रोटेशनल एक्सिस से किसी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ ग्रायसन। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ग्रायसन। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्सिया का जो फार्मूला होता है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर, वेयर एम इज टोटल मास ऑफ द बॉडी, नॉट एनी पार्टिकल, एम इज द होल मास ऑफ द बॉडी, एम इंटू के स्क्वायर। रेडियस ऑफ ग्रायसन इज द डिस्टेंस बिटवीन रोटेशनल एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास। किसी ऑर्डिनरी पॉइंट के साथ में जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब वो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस होता है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। That implies k square equal to I upon m, therefore the value of k is written as root of I upon m। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में k square upon r square के रेशियो पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको जब कॉम्पिटिटिव का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और न्यूमेरिकल्स के वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। बाकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस के इक्वल टू रूट ऑफ आई अपन एम। ओके, द रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड मास डिवीजन ऑफ द रूट ऑफ द डिवीजन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड मास ऑफ द होल बॉडी इज रेडियस ऑफ ग्रायसन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, हेलो स्टूडेंट्स, अनअकेडमी लेके आए आपके लिए एक स्पेशल फीचर आज के डाउट, क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, आप किसी भी समय कितने भी डाउट आप पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे इस फीचर पर, और आपके होमवर्क के लिए भी आपको असिस्टेंस मिलेगा इससे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को आप यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ऐप में जाना है और आज के डाउट क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में आपने जो पिक्चर लिया हुआ है क्वेश्चन का, या फिर वहाँ पर गैलरी ले सकते हैं या पिक्चर ले सकते हैं, वो आपको लेना है। नेक्स्ट स्टेप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो पिक्चर लिया है उसमें केवल उसी क्वेश्चन को क्रॉप करना है जो जिसका आपको आंसर चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्रॉप करना है दैट मीन्स, और आपको चूज किए हुए क्वेश्चन को डालना है, फिर आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। देखिए, इसमें जो आपको सावधानी रखनी है वो ये है कि आप एक टाइम में केवल एक ही डाउट पूछेंगे, एक से अधिक डाउट सेंड नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो इसमें पिक्चर भेजेंगे क्वेश्चन का, वो क्लियर होना चाहिए, पिक्चर की क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आप यदि MCQ क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो उसके सभी ऑप्शन आपके क्वेश्चन के नीचे में होने चाहिए। आइए अब आपको मैं बता दूं कि आप यदि अनअकैडमी में ये यूज़ करना चाहते हैं फ्री डाउट क्लियरेंस, तो आप मेरा कोड यूज़ करिए जितेंद्र सर लाइव। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप यदि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरे इस कोड को यूज़ करने पर। जितेंद्र सर लाइव कोड आप यूज़ करिए और 10% का आप डिस्काउंट पाइए। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको यहाँ पर एक हेडिंग डाल के समझा रहा हूँ, सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन। ये मेरा एक स्पेशल कलेक्शन है, इसको बहुत ध्यान से आप समझना, सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन। सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस चैप्टर में कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और वो कैसे डिराइव होते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनका मैं पूरे चैप्टर में, जैसे आप बुक पढ़ेंगे तो एक रिलेशन वहाँ एक रिलेशन कहीं और, इस तरह से दिया होता है। लेकिन यहाँ पर मैं पूरे रिलेशन को एक ही जगह कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा रिलेशन का कलेक्शन एक ही जगह आपको दिया। चलो देखिए, एक एक करके हम रिलेशन देखते हैं वन बाई वन। फर्स्ट रिलेशन बिटवीन टा एंड अल्फा, टा एंड अल्फा, आपको पता है टा क्या है और अल्फा क्या है। टा इज टॉर्क एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहला रिलेशन हम ये देखते हैं, देखो
तो ये रिलेशन कैसे निकालेंगे, सिंस टाई इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमको पता है कि टार्क जो होता है वह उस बॉडी पर अप्लाइड फोर्स और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, फर्स्ट सेकंड पार्ट में यही सब पढ़ाया मैंने। दैट इम्प्लाइज इसको आगे हम सॉल्व करें तो टाई इक्वल टू फोर्स को लिख सकते हैं अपन मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर। दैट इम्प्लाइज टाई इक्वल मास इंटू, ये है लीनियर एक्सेलरेशन। यदि लीनियर एक्सेलरेशन को हम एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करें तो ये क्या होता है, अल्फा इंटू आर, ये होता है। आपको मालूम है ये दोनों में रिलेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में। दैट इम्प्लाइज टाई इक्वल टू, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, देयरफॉर टाई इक्वल टू ये हो जाएगा आई इंटू अल्फा। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन टा एंड अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, टा और अल्फा में रिलेशन। ओके, सेकंड रिलेशन, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं किसके किसके बीच में रिलेशन अपन देख रहे हैं करके। देखो रिलेशन निकलता जाता है, फिर मैं हेडिंग बना दूंगा उसका। सिंस एल इक्वल टू पी इंटू आर, यहां पर एल और ओमेगा मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं। तो एल इक्वल टू पी इंटू आर अभी हमने पढ़ा है, जस्ट पहले मैं आपको बताया एंगुलर मोमेंटम। दैट इम्प्लाइज एल इक्वल टू पी इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर। दैट इम्प्लाइज एल इक्वल टू एम इंटू वी को लिख सकते हैं अपन आर इंटू ओमेगा इंटू आर। दैट इम्प्लाइज एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। दैट इम्प्लाइज एल इक्वल टू आई इंटू अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा नहीं ना ओमेगा, आई इंटू ओमेगा। तो ये हो गया सेकंड रिलेशन बिटवीन आई एंड एल इंटू ओमेगा कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन आई एंड एल, ये कह सकते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्सिया और किस में रिलेशन, एल में रिलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना, टाई इक्वल टू आई इंटू अल्फा, एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड रिलेशन, सिंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर को, अभी मैं आपको पीछे बताया 1/2 एम वी स्क्वायर में 1/2 एम और वी स्क्वायर को क्या लिखे आर ओमेगा की स्क्वायर, तो ये हो जाता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये आप जानते हो, अभी जस्ट पढ़ाया ना पीछे। दैट इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल टू 1/2 आई इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं। और देखो जस्ट प्रीवियस रिलेशन क्या है, एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, ये एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, तो आई इंटू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं एल। तो दैट इम्प्लाइज ई इक्वल टू 1/2 एल इंटू ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये थर्ड रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन ई एंड एल कह सकते हो। एंड नेक्स्ट रिलेशन, रिलेशन नंबर फोर, सिंस टाई इक्वल टू आई इंटू अल्फा, सिंस टाई इक्वल टू आई इंटू अल्फा, देयर फॉर नाउ डिफ्रेंशिएट, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं अपन। इससे पहले एक मिनट रुको, इससे पहले एक रिलेशन और मैं बता दूं, फिर इसको बताऊंगा, इसका यूज हो जाएगा वहां पर। सिंस एल इक्वल टू आई इंटू
ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सब ध्यान रखना। उसको मैं एक जगह आपको कलेक्ट कर करके दे रहा हूँ। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यदि हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी इक्वल टू, आई कांस्टेंट है ये बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। दैट इम्प्लाइज डी एल बाई डी टी इक्वल टू आई कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है अल्फा। देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं डी एल बाई डी टी इक्वल टू आई इंटू अल्फा क्या होता है, टा होता है, टार्क होता है। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ रिलेशन है, ये फोर रिलेशन आप देखें जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी एल बाई डी टी इक्वल टू टा। इसी रिलेशन के बेस पर देखो, यहाँ पर जो हमने एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा लिखा है, तो इस रिलेशन के बेस पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझ सकते हैं। ये रिलेशन आप ध्यान में रखना, डी एल बाई डी टी इक्वल टू टा होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये सब रिलेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए मैं एक जगह उसको बताया, आप अच्छे से तैयार करना इसको। आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, और ये रिलेशन आपको अच्छे से याद रखना है। लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। सिमिलरली द लॉस ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इफ अप्लाइड फोर्स, इफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मतलब दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं, बस वो लीनियर होता था, ये क्या होगा एंगुलर होगा। तो यहाँ पर देखो, सिंस अभी हमने पीछे रिलेशन डिराइव किया है डी एल बाई डी टी, ये वाला रिलेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, डी एल बाई डी टी इक्वल टू टा। सिंस डी एल बाई डी टी इक्वल टू टा, इफ टा इक्वल टू जीरो देन डी एल बाई डी टी इक्वल टू जीरो देयरफॉर एल इज कांस्टेंट। आपको याद होगा, आपने यदि मेरा पीछा क्लास यदि पढ़ा होगा ढंग से, एक बार लीनियर मोमेंटम को आपको याद करा दूं, तो वहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, देखो डी पी बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। फिर वहाँ पर आपको बताया गया था कि इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन डी पी बाई डी टी इक्वल टू जीरो देयरफॉर पी इज कांस्टेंट। ये मैं दोनों से आपको कंपैरिजन करके बताया कि इस तरह से होता है, ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ये है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब टार्क, इसलिए मैं ये सब रिलेशन को आपको निकाल के बताया, तो जितने छोटे छोटे रिलेशन मैं आपको बताया ये आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। ओके, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक पर आपसे डिस्कस करना है, वो है जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं लीनियर मोशन में। देखो मैं यहाँ पर कंपेरेटिव आपको बता रहा हूँ कि लीनियर मोशन में क्या होता था, वो एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड वी इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसको हम रोटेशनल मोशन के लिए कैसे लिखेंगे, तो उसको हम कंपेरेटिवली उसी के साथ में कंपेयर करके आपको बता रहे हैं। देखो किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, मैं ये आपको दोनों साइड में कंपेयर करके फार्मूला को लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। फर्स्ट ये है, इस साइड में मैं लिख रहा हूँ लीनियर मोशन और इधर लिख रहा हूँ रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता था
फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं देखिए, इसको हम जब लिखना चाहेंगे रोटेशनल मोशन के लिए, ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे ओमेगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा नॉट प्लस ए मींस अल्फा, और टाइम का सिंबल कभी चेंज नहीं होता, टाइम इज ऑलवेज टी चाहे कोई भी मोशन हो। सेकंड इक्वेशन आप मोशन को क्या लिख सकते हैं, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा इक्वल टू यू मतलब ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा इंटू थीटा। ये ध्यान रखना, इस तरीके से कहीं भी आपको यदि इक्वेशन ऑफ मोशन का जरूरत पड़े रोटेशनल मोशन में तो आप लीनियर मोशन के हेल्प से उसको रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इतना रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, और इसके बाद मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, वहाँ पर हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे, जैसे यूनिफॉर्म रॉड, सर्कुलर रिंग, डिस्क, इसके वैसे तो ये बॉडी करीब 13-14 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपके 11th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम 2-3 बॉडी का ही डेरिवेशन देखेंगे, बाकी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको डायरेक्ट प्रिपेयर करना है। यदि आपको इन फ्यूचर नीट आईआईटी जेई का प्रिपरेशन करना है तो आपको कम से कम 12-13 टाइप के बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन डेरिवेशन हम 2 या 3 टाइप के बॉडी के, 3 टाइप के बॉडी का ही करेंगे, और वो आपके 11th क्लास के लिए उसका डेरिवेशन सफिशियंट है। अभी तो न्यू सिलेबस में बहुत से स्टेट में जो सिलेबस को डिलीट किया है, तो बहुत से बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, सीजी बोर्ड में, एमपी यूपी बोर्ड के, सबके मैंने सिलेबस को देखा है, सबने इसके मेजर पोर्शन को हटा दिया है, ना पैरेलल एसिस थ्योरम कोर्स में है, ना परपेंडिकुलर एसिस थ्योरम कोर्स में है, ना उसके एप्लीकेशंस हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ उसके एप्लीकेशंस। तो सिलेबस बहुत कम हो गया, लेकिन जिनको कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करना है फ्यूचर में, 2022 में आपको नीट का एग्ज़ाम देना है या 22 में आपको आईआईटी जेई का एग्ज़ाम देना है, तो मेरा आपको सजेशन है कि आप टॉपिक स्किप करके मत पढ़िए, भले ही बोर्ड ने उसको हटा दिया है, आप सब पढ़िए, क्योंकि ये होम एग्जामिनेशन है, आप 11th क्लास में हो, आप कुछ एडिशनल टॉपिक पढ़ लोगे उससे कोई आपको नुकसान नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि फ्यूचर को ध्यान में रख के आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू।